हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सूरज, स्वागत करता हूँ आपका मिस्टर ब्राइट चैनल में। एंड गाइस, बात करने वाले एच सी एल टेक की। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 709 के करीबन चल रहा है, और आज जो है आपको 19 पॉइंट का लगभग यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। सो गाइस, यहाँ पे आज जो है यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट लेवल टूटा है, जो कि आपको 913 के करीबन देखने को मिला था। और यहाँ पे मेरे को लगता है अब जो है ये शेयर रुकने का नाम नहीं लेगा, और डाउनफॉल इसमें आने वाला है। और यहाँ पे लगभग मेरे को लगता है आप लोग को ये शेयर में भी आपको 800 के करीबन गिरते हुए नज़र आ जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग एच सी एल होल्डर्स हैं तो आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे एग्जिट का अच्छा मौका है, एग्जिट आप कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मंडे का मार्केट देख लीजिएगा, अगर जो है 913 के ऊपर सस्टेन हुआ तो ठीक, वरना जो है यहाँ पे साफ साफ आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वो भी बड़ा डाउनफॉल, ठीक है। तो यही जो है बाइंग लेवल भी होगा यहाँ पे से, जो है हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें होल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे 802 के करीबन यहाँ पे एक बाइंग लेवल मान सकते हैं एच सी एल टेक का। अगर आप लोग एच सी एल टेक के इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पे जो है आपको 802 के करीबन एक बाइंग लेवल मिलेगा, जो कि मेरे को लगता है एच सी एल टेक इन फ्यूचर काफ़ी शानदार कर सकता है अभी भी आप लोगों के लिए। एंड आईटी सेक्टर का एक बहुत ही शानदार शेयर है, बट यहाँ पे अभी डाउन फेज चल रहा है इसका। तो डाउन फेज में आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, आपको एंट्री पॉइंट जो है 800 के करीबन देखने को मिलेगा। और अगर जो है यहाँ से बीच से कहीं से रिकवरी करता है तो उसके बारे में भी मैं अपडेट कर दूंगा, उसकी वीडियो भी बना दूंगा कि यहाँ पे से जो है बाय कर लीजिए अगर जो है अपडेट आता है। लेकिन मेरे को जो है शेयर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मेरे को लग रहा है वो 802 के करीबन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए क्या करना है। अगर आप लोग होल्डिंग रखें उसके तो मंडे का मार्केट देखिएगा, अगर 913 के ऊपर सस्टेन हुआ तो ठीक, अगर डाउनफॉल आया तो प्लीज़ एग्जिट कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। एस सी एल टेक वालों, थोड़ा सा चेतावनी है कि यहाँ पे देखिए डाउन फेस दिख रहा है, वो भी मैग जो है बिल्कुल पैरेलल चल रहा है अभी येलो लाइन के, ठीक है। तो मेरे को लगता है अभी डाउन फेस और आने वाला है, बाकी देखना पड़ेगा मंडे का मार्केट कैसा रहता है। और एक रिकवरी देखने को मिल रही थी आज, लेकिन यहाँ पे मार्केट गिरा, इसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको डाउन फेस देखने को मिला। तो मंडे का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मंडे का अगर जो है यहाँ पे शेयर अपसाइड जाता है 913 के तो प्लीज़ होल्ड करके रखिए, आप अप ट्रेंड देखने वाला है। अगर जो है 913 के नीचे सस्टेन हुआ सेल कीजिए, एग्जिट कीजिए, ठीक है। तो मंडे का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है जो कि सिर्फ 500 मंथली में आपको फुल एनालिसिस करके देगा। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इंट्राडे की टिप्स दूंगा डेली, वो भी एक दिन पहले, मतलब आज जैसे ट्रेडिंग डे है तो उससे एक दिन पहले आपको आपके स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और वन वीक के लिए भी, मतलब थर्सडे को शाम को मैं आपको 5 स्टॉक्स दूंगा एक वीक के लिए, जो कि आपको टारगेट के साथ एसएल के साथ मिलेंगे। एंड अगर जो है यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे प्रिफर नहीं करते हैं, जो मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि काम रहता है उनका, या फिर कुछ भी कारण हो जिस वजह से इंट्राडे में इतना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको वीकली जो शेयर्स हैं वो दे दूंगा। तो कई न्यू लोग भी जुड़े हैं कोरोना काल में जिनको ट्रेडिंग के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं एंड हम जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ेंगे, या आपकी स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।